हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छा ही होंगे। दोस्तों आजकल किसी भी बच्चे को पूछोगे तो बड़े होकर क्या बनना है, वो सीधा साधा जवाब देंगे कि यूट्यूबर बनना है। दोस्तों यूट्यूब इज नॉट अ जॉब, इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब में आपको कमाने की मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप स्पॉन्सर भी ले सकते हो, स्पॉन्सर से भी कमा सकते हो और एड से भी कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों जॉब गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट कंपनी का जॉब हो, यहाँ पे आपको काम करना है, काम के बेस में आपको सैलरी मिलता है, यहाँ पे आपको फिक्स सैलरी होता है। लेकिन यूट्यूब में कोई फिक्स सैलरी नहीं है, यहाँ पे आपका स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बदले में कुछ पैसे मिलते हैं। अगर आप पैसे के लिए यूट्यूब पे आना चाहते हो, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप पैसे के कारण यूट्यूब में आ रहे हो, आपका फोकस पैसे पे ही रहेगा, कंटेंट में नहीं। इसीलिए पहले आप कंटेंट बनाओ, कंटेंट में इम्प्रूव लाओ। भी अगर आप किसी चीज़ में पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, आप उसी चीज़ पे यूट्यूब पे काम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड है तो आप उसी बेस पे यूट्यूब पे काम कर सकते हैं। अगर आप कुछ लोग तो पढ़ाई में अच्छा होता है, कुछ लोग मैथ्स में अच्छा होता है। अगर आप किसी भी चीज़ में, मान लो कि आप मैथ्स में अच्छा है, तो आप उसी बेस पे, उसी टैलेंट को आप यूट्यूब पे दिखा सकते हो लोगों को। दोस्तों यूट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का वीडियो मिलता है आपको, और क्रिएटर्स भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का होता है। अगर आप 12th के बाद यूट्यूब पे आना चाहते हो तो यू वांट टू नो व्हाट यू विल क्रिएट, आपको पता होना चाहिए आप क्या बनाने वाले हो यूट्यूब में। आपका नीश सही होना चाहिए, आप किस चीज़ में अच्छे हो उसी चीज़ में आप वीडियो बनाना चाहिए। नहीं तो क्या पता आप जो बनाने वाले हो वो लोग पसंद ही ना करें, जैसे कि मेरे वीडियो। दोस्तों यूट्यूब में मोटिवेशन, उम्मीद और विश्वास का कोई काम नहीं होते हैं, यहाँ पे स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क ही काम आती है। इसीलिए दोस्तों पहले हार्ड वर्क करना सीखो और अपना कंटेंट में इम्प्रूव लाओ। हार्ड वर्क करने के बाद ही कुछ उम्मीद रखो यूट्यूब से। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। अगर आप सोच रहे हो कि हार्ड वर्क के बिना आप यूट्यूबर बन जाओगे तो आपको गलतफहमी हो रहा है। आपको पहले हार्ड वर्क करना है यूट्यूब पे, हार्ड वर्क करने के बाद ही आपको सक्सेस मिलता है। तो दोस्तों आफ्टर 12th आप यूट्यूब को अपना सकते हो, लेकिन फुल टाइम के लिए मत, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क करने के बाद ही कुछ मिलता है यूट्यूब से। दोस्तों पहले आप हार्ड वर्क करो, आप यूट्यूब को फुल टाइम के लिए मत रखो 12th के बाद, क्योंकि आपका स्टडी करना है बहुत, आपको कुछ बहुत सारा डिग्री लेना है, आपका सपनों को साकार करना है। दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने सपनों के लिए आगे बढ़ो और यूट्यूब को पार्ट टाइम के लिए रखो पास। दोस्तों सभी लोग तो यूट्यूब पे आते हैं कुछ ना कुछ किसी को देख के, लेकिन आप यूट्यूब का फेक गुरुस के चक्कर में मत पड़ो। यूट्यूब में तो बड़े बड़े फेक गुरुस रहते हैं, उसी को, उसका नाम मैं नहीं बताऊँगा, बहुत सारा फेक गुरुस होता है, आपका गलत मोटिवेशन देता है कि यूट्यूब पे आ जाओ। वो काम करके तो वो खुद का व्यूज़ ठीक ही बढ़ा लेते हैं, खुद का सब्सक्राइबर बढ़ा लेते हैं, लेकिन आप तो एक दो साल काम करने के बाद वही रह जाओगे। इसलिए फेक मोटिवेशन से बचे रहो दोस्तों, फेक गुरुस के चक्कर में मत पड़ो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।